इसका मतलब क्या होता है? तो सच भी बड़ी बड़ी होती है। बोले बेटा हमें ये लगता है कि वाइफ का मतलब होता है जो पति की लाइफ ही चौपड़ करते हैं, क्योंकि पत्नी तो पत्नी है, ये पत्नी है। स्वामी एक बात बताऊं तो क्या कह रहा था? श्री राम जय राम जय। मैया भोजन बना रही है और जब भोजन बनाने के लिए बैठी है परोस रही है, स्वामी एक बात और बता दो, वो तोता क्या कह रहा था? दीदी बार बार क्यों पूछ, बस ऐसे पूछ दिया, दिमाग से उतर गया। लेटने के लिए गई तो मैया जल चाहती थी, स्वामी ये तोता क्या कह रहा था? श्री राम जय राम जय जय राम। 108 की पूरी माला भूल करा दी, वही राजा मैया की सौभाग्यशाली राधी ही इसकी मैया की गर्व रहा है, इसमें सब पहला पाप हुआ है। माया जी मंगलदेव पर्वत पर पहुंचा, तपस्या द्वारा की ये तपस्या ऐसे चल रही है, शादी मंगल तथास्तु ना कहेगा जब तक हम स्वीकृति न देते।
Bolo. Mulia antar bayi lajem manis ma tapi cahiri. Nabi bahar mulia hitam. Nabi nabi berdua mahu pergi memilih berdua atas. Nabi berdua nabi berdua berdua. Thank you.
ये जीवन में राम रूपी गंगा का प्रवाह हो गया। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं, एक का नाम था शंकर और दूसरे का नाम है अमर। प्रहलाद जी को गुरुकुल विद्याधर के लिए भेजा गया और पढ़ने के लिए गए माता जी। प्रहलाद जी की शिक्षा चल रही थी, एक समय श्री करके एक वर्ष समाप्त हो गया। एक दिन हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद जी को गोदी में बैठा दिया। प्रहलाद बताओ तुमने क्या पढ़ा है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जो हमने पढ़ा है तुम भी पढ़ लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। क्या पढ़ा है? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमने एक वर्ष में 9 दर्जा पास कर ली है। हिरण्याकश्यपु ने कहा प्रहलाद तुम बहुत होशियार हो, एक साल में 9 क्लास पास हो गई, 9 कक्षा निकल गए हो तो तुम्हारे समान की होशियार तो है। हाँ पिताजी हमारे समान कोई होशियार नहीं है। तब तो हिरण्याकश्यपु ने पूछ लिया प्रहलाद वो कौन कौन सी कक्षाएं हैं